कहेंगे तिल का रेवड़ी, संक्रांत में बनता है। तो ये तिल है आधा किलो, 500 ग्राम तिल है और ये 500 ग्राम गुड़ है। इसको हम तोड़ लिए, अब इसको साफ कर लिए है, कढ़ाई में भून लेंगे इसको। भून लिए हैं, कलर चेंज हो गया है, अभी इसको हम निकाल लेंगे। इसका कलर चेंज हो गया। थोड़ा सा एकदम 50 ग्राम के करीब पानी डाल, मीडियम आंच पर इसको एकदम कम आंच पर लोड में ये आंच पर पकाएंगे, नहीं तो जल जाएगा। थोड़ा घी डाल देंगे इसमें, हो गया है। देखिए तो कैसे टूट गया, हो गया है। अब इसमें डाल रहे हैं, बंद कर देते हैं गैस को। बहुत गर्म है, हाथ जलता है, इसके लिए हम ये थोड़ा आटा है सूखा, पानी के हाथ से भी बना सकते हैं लेकिन हम आटा से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा हाथ में आटा लगा लेते हैं या घी, घी भी लगा सकते हैं आप। देखिए कैसे बना रहे हैं, कैसे आपके घर में बहुत जल्दी ठंडा होने का चांस रहता है, तो जो भी जो होगा घर में 2-3 जन सब बना सकते हैं जल्दी जल्दी। ऐसे मन करे गोल भी ऐसे भी बना सकते हैं आप, लड्डू के जैसा। ये कितना कड़क कड़क हुआ है, सेप आप जैसे चाहे बना सकते, गोल में चौड़ा में जैसे भी चाहे आप बना सकते हैं। देखिए थोड़ा ठंडा होगा तो और अच्छा होगा, जितना ही ठंडा होगा उतना ही।